نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة إبراهيم آية نمبر دس قالت رسلهم أفي الله شك फातर वल व उनके रसूलों ने कहा क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है या फफ़िर जनूब वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारी कसूर माफ़ करे वजलम उम्म और तुमको एक मुद्दत मकर तक मोहलत दे रसूलों ने अपनी कौमों से बात की उनको समझाने की कोशिश की एक सवाल जिसका के ताल्लुक़ अक़ल से ज़्यादा फ़ितरत से है सोल सर्चिंग क्वेश्चन है सच बताओ कि क्या तुमको अल्लाह के बारे में शक है और जो शख्स खुलूस के साथ सच्चाई के साथ इस सवाल का जवाब देगा वो कहेगा नहीं मुझे अल्लाह के बारे में कोई शक नहीं दूसरी चीज़ कि अल्लाह को मानते हुए डर ये लगता है कि अगर अल्लाह को मान लिया तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी बहुत भारी हो जाएगी हम शायद तबाह हो जाएं, शायद हम बर्बाद हो जाएं अल्लाह को मानकर तो उनके इस खौफ को भी दूर किया गया कि तुम जब अल्लाह को मानोगे तो वो तो तुमको अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा वो तुमको इसलिए पुकार रहा है ताकि तुम्हारा फ़ायदा हो अल्लाह तुम इसलिए तो नहीं पुकार रहा कि अल्लाह की अपनी कोई गर्ज अटकी भी है कोई अल्लाह का काम नहीं हो रहा जो तुम्हें बुलाता है वो अल्लाह अपनी ज़ात के लिए अपने किसी काम के लिए तुम्हारा मोहताज नहीं है अल्लाह तुम्हें पुकारता है तुम्हारे भले के लिए वो कुछ लेने के लिए नहीं पुकार रहा वो तुमको देने के लिए पुकारता है तुमसे लेगा भी तो तुम ही को लौटाएगा ही को देगा बढ़ा चढ़ा तुम्हें देगा जो तुमसे गलतियां हो गई जो तुमसे कोताहियां हो गई उनको माफ करेगा और तुमको एक मुद्दत तक के लिए मोहलत भी देगा अच्छी जिंदगी तुम गुजारोगे ये बातें सुनकर जिनको नाम मानना था उन्होंने कहा तुम अला बशरम बेसलुना यूरी बेसुल उन्होंने जवाब दिया तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आ रही है अच्छा तो लाओ कोई सरीह सनद। अब जब कौम अल्लाह के बारे में लाजवाब हो गई तो रसूल पर जराह शुरू कर दी उनकी नीयत उनके मकसद पे शक करना शुरू कर दिया और उनको एक तरह से मुजरिम ठहरा दिया कि तुम तो हमें गुमराह कर रहे हो बाप दादा के तरीके से हटाना चाहते हो और अपने बारे में कौम ने साबित करना चाहा ये प्रूफ करना चाहा कि देखो हम कितने सादतमंद हैं हम कितने फर्मा बरदार कितने ओबीडियट हैं हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने एल्डर्स की बुज़ुर्गों की कितनी इज़्ज़त करते हैं कि बुज़ुर्गों का कोई तरीका हम छोड़ना नहीं चाह रहे और रसूलों पर ये इल्जाम लगा उन्होंने लगाया कि रसूल ये तो बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं करते आयत उनके रसूलों ने उनसे कहा वाकई हम कुछ नहीं है मगर तुम ही जैसे इंसान लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाजता है रसूलों ने भी उनकी बात को माना जब उन्होंने कहा कि इन अन तुम अ बशर मिसलो बिस्लो न रसुलों ने कहा कि हाँ इहु बशर उम बिस्ल तुम हाँ वाकई हम तुम ही जैसे इंसान हैं हमने कोई दावा नहीं किया कि हम फरिश्ते हैं हमने कोई दावा नहीं किया कि हम कोई माँ फोकुल्फ़ित मखलूक़ हैं कोई सुपर नेचुरल बीग्स हैं इंसान हैं लेकिन अल्लाह ने कुछ फजीलतें हैं जो हमको दी हैं हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम अपनी ज़ाती मेहनत अपनी ज़ाती कोशिश से रसूल के दर्जे पर पहुंच गए ये तो अल्लाह ही ने फल किया है हमारे ऊपर यमुन्न अलाम उमिन इबादी अपने बंदों में से जिस पर चाहता है वो ये एहसान फरमा देता है हाँ लेकिन जब अल्लाह ने फजीलत दे दी है अल्लाह ने जब यह एहसान हम पर कर दिया है कि अल्लाह ने हमको रसालत के मनसब पर नाफिज कर दिया है हमको हमें रसूल बना दिया है ये फजीलत दी है तो अब इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम तन मन धन की बाजी लगा देंगे इसलिए कि जिसके पास जितनी बड़ी नेमत है उतनी ज्यादा उसकी पकड़ है उतनी ज्यादा उसकी पूछ है रसूल बनाया जाना नबी बनाया जाना जहाँ बहुत बड़ी नेमत होता था वहाँ वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता था और अल्लाह तो पूछेगा नेमतों के बारे में क़यामत के दिन और जिम्मेदारियों का भी हिसाब लिया जाएगा तो लिहाजा कहा कि अल्लाह जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है दूसरी ये कि अगर तुम इस डर से ईमान नहीं लाते कि उसके तकाजे तुम पूरे नहीं कर सकते तुमको ख्याल ये आता है कि हम जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं वह नामुमकिनात में से है हम वो काम कर नहीं सकते जिसकी दावत रसूल दे रहे हैं या कुरान जिसकी दावत दे रहा है क्या आपके ख्याल में हमारे माशरे में लोगों को ये ख्याल होता है कि कुरान जिन कामों का हमसे कह रहा है वो हमसे नहीं हो सकते अक्सर का ख्याल है ना अगर आप क्रॉस सेक्शन लें माशरे का एज के एतबार से अगर आप लें तो यंग एंड ओल्ड बच्चे बूढ़े जवान सब ये समझते हैं अक्सरियत ये समझती है अगर आप माशी से माशरे का क्रॉस सेक्शन लेती हैं तो माशी एतबार से चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई मिडिल क्लास हो चाहे कोई अमीर हो वो भी यही समझते हैं कि सब लोग जो है वो कुरान पे अमल नहीं कर सकते बड़ा मुश्किल है कुरान पे अमल करना इसी तरह कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो उनका भी ख्याल ये है कि कुरान पर अमल तो बहुत ही अल्लाह के कुछ अपने ही गिने हुए चुने हुए पसंदीदा लोगों का काम है कुरान पर अमल करना हम जैसे मामूली इंसान तो कुरान पर अमल कर ही नहीं सकते हालांकि अलहमद ला जितना भी हमने अब तक क़ुरान पढ़ा है कोई बात हमें ऐसी लगी जिसमें कि कोई हमें उस सुपर नैचुरल पावर्स की ज़रूरत पड़े और हम सोचें कि दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल इंसानी अस्तता तो है ही नहीं कि इंसान ये काम कर लें एक चीज़ भी एक हुक्म भी हमें ऐसा नहीं मिला अल्लाह ताला ने तो फ़रमाया है कि ला नफ्सन इल्ला अल्ला किसी जान पर बोझ अल्लाह ताला नहीं डालता जो कि उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा हो इम्पॉसिबल टास्क करने को हमसे नहीं कहा गया फ़रिश्ता बनाने के लिए कुरान नहीं आया हमको अल्लाह ताला हम इंसानों ही को यहाँ पर हिदायत फ़राहम फरमा रहा है गाइडेंस फ़राहम फरमा रहा है और जब इंसान अमल करेगा अपनी ज़िंदगी में कसूर भी होंगे ख़तएँ उससे होंगी तभी बार बार मकफ़रत का जिक्र आता है बार बार अल्लाह का गफूर और रहीम होना बयान किया जाता है तो अगर किसी को ये डर हो कि वो ईमान के तकाजे पूरे नहीं कर सकेगा तो देखिए कि आखिर अल्लाह ने इंसानों ही को तो रसूल बनाकर भेजा है उनको देखकर बाकी इंसान भी खुद को पहचाने के हाँ हम भी अपनी अपनी वसुत के मुताबिक खैर समेट सकते हैं जो अल्लाह के जितना करीब आ जाए उसके लिए दिन पर चलना उतना ही आसान है इन्ना बशरुम बसलकुम व्न यमन इबादी व मकान बेसलतान बज़्न वाहियत वक्लमिन और यह हमारे अख्तियार में नहीं है कि हम कोई सनत ला दें सनत तो अल्ला ही के एजन से आ सकती है और अल्लाह ही पर अह ईमान को भरोसा करना चाहिए यानी वो रसूलों की रसालत की दलील इस बात से मांगा करते थे कि कोई मुवजा दिखाओ तो रसूलों ने तो साफ उनसे कह दिया कि मुवजा दिखाना हमारे बस की चीज नहीं है हम ये काम अपनी मर्जी से कर नहीं सकते अगर तुम हिदायत के लिए मौजे के मुतलाशी हो रहे हो तुम अपनी हिदायत के लिए अगर तुम तो मुआवे पर इन्हसार कर रहे हो तुम मेरिकल्स पर डिपेंड कर रहे हो तो ये मत करो हिदायत के लिए तुमको चाहिए कि तुम अल्लाह पर भरोसा करो अल्लाह पर तोल करो आगे फ़रमाया आय बारा व मना अल्ला हदाना सुबोलना वक्स बना आदय तुमोना व अल्ला फ़ल और क्यों ना हम अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी ज़िंदगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की है जो अजियतें तुम लोग हमें दे रहे हो उन पर हम सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए इतनी खूबसूरत बात है जो रसूलों ने कही उन्होंने कहा कि हम अपनी हिदायत के लिए हम ना माशरे पर भरोसा करते हैं ना अपनी ज़ात पे हमें भरोसा है ना हम तुम पर डिपेंडेंट हैं हिदायत के लिए ना हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं हमारा भरोसा तो अल्लाह के ऊपर है और अल्लाह ने हमें हिदायत दी है सुबोलना हमारे रास्तों की पता ये चला कि ज़िंदगी के कितने ही मामला होते हैं जिसमें कि इंसान को हिदायत की ज़रूरत होती है अक्सर लोगों ने यह भी सोच लिया कि शायद हिदायत की ज़रूरत सिर्फ इबादत के लिए होती है नमाज कैसे पढ़ो उसके लिए आपको दिन की तरफ रुजू करना चाहिए रोज़े कैसे रखो उसके लिए दीन की तरफ रुजू करना चाहिए नहीं बात यह है कि जिंदगी के हर मामले में रुजू दीन ही की तरफ करना है चाहे इबादत का मामला हो चाहे माशरत हो चाहे मीषत हो चाहे सियासत हो चाहे कारोबार हो कोई भी चीज़ हो मामला हों कुछ हो मुख्तलिफ राहों के लिए इंसान अल्ला ही से रहनुमाई मांगे जैसे कि हमने सूर्य अनाम में पढ़ा था कि इन्ना सलाती व नसुकी व माहिया व ममाती लाही रबलम कि नमाज़ और कुर्बानी और जीना और मरना सब अल्लाह रब्बुल रब्बालमीन के लिए हो जाए तो जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं उन सब में हमें हिदायत चाहिए अल्लाह से और रसूलों ने कहा कि हम तो सब्र करेंगे जो अजियतें तुम हमें देते हो अल्ला ही पर हमने तो किया है रसूलों को दो तरह से कौम अजियत दिया करती थी बास रसूलों को जिसमानी तौर पर अजियतें दी गई और तमाम रसूलों को जहनी अजियत दी गई जिसमानी अजियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तमाम अम्बिया को जिसमानी अजियत नहीं दी गई फिज़िकली टॉर्चर नहीं किया गया कुछ को किया गया कुछ को नहीं लेकिन जहाँ तक जहनी अजियत का ताल्लुक़ है इससे तमाम अम्बिया गुज़रे और मोमिन भी इस बात से रिलेट कर सकते हैं जो भी शख्स रसूलों की दावत पर लब्बैक कहता है ईमान लाता है हो सकता है कि जिस्मानी तौर पे उसको अजियतें पहुँचाई जाएं, तशद किया जाए फिज़िकल टॉर्चर किया जाए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किया जाए फ़र्ज़ नहीं है कि ये हो लेकिन हर मोमिन जहनी अजियत से मेंटल टॉर्चर से तो ज़रूर ही गुजरता है मिसाल के तौर पर आप बाहर निकलती हैं सूरज चमक रहा है ना आप कहती हैं देखो सूरज चमक रहा है जो आपके साथ है वो कहता है नहीं आपको परेशानी होगी या नहीं एकदम तकलीफ होगी ना आपको जहनी तौर पे कि ये इतनी बड़ी हकीकत को क्यों चुटला रहा है आंखें भी इसकी ठीक हैं आंखों का भी प्रॉब्लम नहीं है फिर क्या वजह है जो ये कह रहा है कि सूरज नहीं है तो इस तरह लोगों का जिद पर आ जाना इस तरह का जिद्दी रवैया स्टबन बिहेवियर ये भी रसूलों को बहुत अजियत दिया करता था और के बारे में बदगुमानी करना बदजन हो जाना उनसे उनको बुरा भला कहना या उन पर इल्ज़ाम लगाना कि तुम तो बुजुर्गों की इज्जत ही नहीं करते इन तमाम अजियतों से रसूलों को पाला पड़ा करता था और इन्हीं तमाम अजियतों से आज मोमिनों को भी पाला पड़ता है उन पर भी इसी तरह के अल्जाम लगते हैं इसी तरह तंज़ और ताने का वो निशाना बनते हैं लोग बदगुमानियाँ भी उनसे करते हैं और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि अल्लाह इतनी बड़ी इतनी रोशन इतनी ख़ूबसूरत हकीकत है क्यों नहीं मान रहे और ख़ास तौर पर इर्द गिर्द के लोग जिनसे कि इंसान को ख़ुद मोहब्बत होती है वो जब अल्लाह का पैगाम मानने से इनकार कर देते हैं तो मज़ीद इंसान को तकलीफ़ ये पहुँचती है कि कितने खैर से अपने आप को महरूम कर रहे हैं कोई बहुत हमारा करीबी रिश्तेदार है जिससे कि हमें बहुत मोहब्बत है और हम देखते हैं कि वो बीमार पड़ा हुआ है दवा आप उसको देना चाह रही हैं वो दवा नहीं खाना चाहता अजियत तो आपको होगी ना एक शख्स है आपको मोहब्बत है उससे उसको प्यास लग रही है आप पानी लेकर जा रही हैं आप उससे कह रही हैं कि तुम पानी पी लो नहीं पीता आपको तकलीफ होगी ना उसकी तकलीफ से उसकी महरूमी से आपको तकलीफ़ होगी तो बिल्कुल इसी तरह जब रसूल देखा करते थे कि इर्द गिर्द ये हमारे लोग हैं इतना खैर हम इनको देना चाह रहे हैं और ये हैं मोहताज खैर के है इनको ज़रूरत बिला वजह ज़िद का शिकार होकर ये इस वक्त बात नहीं मान रहे तो इसकी भी अजियत रसूलों को हुआ करती थी लेकिन उन्होंने भी पूरे और पूरे जज़म के साथ कहा कि वलनस बर हम अलबत् ज़रूर सबर करेंगे ये है काम रसूलों के करने का जो कि अल्लाह ने उनसे कहा और यही काम है आज मोमिनों के करने का लाजमन सबर करना है अजियतों पर अजियत की वजह से काम नहीं छोड़ना या काम की तरफ से शक का शिकार नहीं होना अपना मल नहीं छोड़ना आयत नंबर तेरा वकाल नुखरे आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कह दिया या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे फ अम रब लनकम तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम इन ालिमों को हलाक कर कर रहेंगे एक यहाँ भी आप एक चीज़ देख रही होंगी सूर्य इब्राहिम में कि किसी ख़ास नबी या ख़ास रसूल का नाम लेकर जिक्र नहीं किया जा रहा बात जो की जा रही है एक अमूमी अंदाज़ में की जा रही है एक जनरल अंदाज में बात की जा रही है तो जब उन्होंने पक्का इरादा ये किया कौमों ने कि हम तो तुमको निकाल देंगे हम तुम्हारे साथ बुराई करेंगे तो अल्लाह ताला ने वही कर दी अपने रसूलों की तरफ कि ये क्या करेंगे अल्लाह है जिसने कि पक्का इरादा कर लिया है कि वह इन जालिों को हलाक करेगा और इंसानों का इरादे तो अल्लाह की इजाज़त के मोहताज हैं अल्लाह के इरादे इंसानों की इजाजत के मोहताज नहीं है अल्लाह का इरादा तो पूरा होकर ही रहता है आगे फरमाया, आयत और उनके बाद तुम्हें जमीन में आबाद करेंगे ये इनाम है उसका जो मेरे हुजूर जवाबदेही का खौफ रखता हो और मेरी वईद से डरता हो कि ये इरादा कर रहे हैं रसूलों को निकालने का और दावा कर रहे हैं कि हम आप लोगों को जरूर निकाल देंगे अल्लाह ने इरादा कर लिया है इनको दुनिया ही से निकाल देने का अल्लाह ताला का इरादा हो गया कि वो अल्ला नस्ख़ नकमुल अरदा में बड़द हिम के मुल्क में इंसानों की नस्लें सिर्फ रसूलों और उनके मानने वालों से चलेंगी यह है नक्सिला जो दुनिया में पहले इनाम की किस्त मिलती है लोगों को और आखिरत में तो जो अल्लाह से डरता है अल्लाह के सामने जो खड़ा होने से डरा उसके लिए तो और बहुत कुछ है जाले का लेन खाफा मकामी व ख़ाफा व ही दो दफ़ा लफ्ज़ खौफ आ रहा है ये खौफ भी निहायत मसबत नहायत पॉजिटिव है अल्लाह से जो डरता है अल्लाह का खौफ इंसान को हर तरह के दुनियावी खौफ से बेन्यास करने वाली चीज़ है और जो अल्लाह से नहीं डरता वो पता नहीं कितने ही मुख्तलिफ खौफ का शिकार हो जाता है तो जो डरा अल्लाह के सामने खड़े होने से और अल्लाह की वार्निंग्स को जिसने सीरियसली ले लिया कैसे हो सकता है कि वह अपना अमल दुरुस्त ना करे वो तो ख़ुद ही अपना मुहासबा करता रहता है उसे किसी दूसरे तीसरे की ज़रूरत नहीं है कि कोई और उसको बताए कि तुम ऐसे हो तुम वैसे वो खुद ही उसका ज़मीर इतना एक्टिव होता है उसका कॉन्शंस इतना एक्टिव होता है कि वो खुद ही उसको गाइड करता रहता है अंदर ही से इंसान को गिल्ट आती रहती है अंदर ही से खौफ उठता रहता है कि अगर मैंने गुनाह किए तो मेरा अंजाम अच्छा ना होगा ऐसा इंसान जो अल्लाह का खौफ रखे अपने आमाल पर बहुत कड़ी नज़र रखता है और हकीकत है हकीकत है कि अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ और अल्लाह की वार्निंग्स का खौफ इंसान को कभी बेरहम या जालिम नहीं होने देता डर लगता है कि अगर मैंने अदल ना किया तो अल्लाह मेरे साथ बुरा सलूक करेगा अगर मैंने लोगों का हक ना दिया तो अल्लाह पूछेगा मुझे तो खड़ा होना है अल्लाह को अल्लाह के सामने जाकर अगर मैंने जुल्म किया किसी के ऊपर तो अल्लाह तो पूछेगा ये जो अल्लाह पूछेगा वाली चीज़ इंसान को अंदर से जगाती रहती है यही चीज़ पे गुनाहों में बहादुर नहीं होने देती हाँ हो सकता है कभी कभार पाँव पिसल जाए गलती हो जाए ख़ता हो जाए लेकिन इंसान इस चीज़ को रूटीन नहीं बना लेता मामूल के तौर पे बदतमीज़ मामूल के तौर पे बदमिजाज मामूल के तौर पे लोगों पर जुल्म करने वाला या बेरहम हो नहीं सकता इंसान फरमाया आयत पंद्रह जब्बारन अनद उन्होंने फ़ैसला चाहा था और यूं उनका फ़ैसला हुआ और हर जब्बार दुश्मन हक़ ने मुँह की खाई अब फैसला किसने चाहा रसूलों ने जब उन्होंने हर तरह से कौम को समझाया कौम को बताया कौम मानने पर तैयार ना हुई तो उन्होंने फिर रसूलों ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्ला अब तो फ़ैसला फ़रमा दे हमारे और इस नाफ़रमान कौम के दरमियान और जाहिर है जब अल्लाह का फ़ैसला आया वो तो रसूलों के हक़ ही में आया अब रसूलों से दुश्मनी जो हुआ करती थी लोगों को क्यों होती थी जहाँ तक रसूलों की अपनी ज़िंदगी का अपनी ज़ात का ताल्लुक़ है वो तो हमेशा से यानी रसालत मिलने से पहले नबोवत मिलने से पहले भी वो हमेशा निकियों ही पर अमल कर रहे होते थे उनका ताल्लुक़ अल्लाह से हमेशा मजबूत जुड़ा होता था इन्हीं रसूलों का मामला ये नहीं होता था कि पहले तो वह अपनी कौम के साथ उन बुराइयों में मुलविस हों उन गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व हों और फिर एकदम कोई टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी में आ जाए जै। जैसे कि आम इंसानों के साथ तो यही होता है ना जिंदगी उनकी आम तौर पे पहले माशरे के ही पैटर्न पर चल रही होती है फिर कहीं हिदायत की पुकार कान पे पड़ती है तो जिंदगी का रुख हम बदल लेते हैं अपना बुराई से अच्छाई की तरफ आ जाते हैं गुनाह से सवाब की तरफ आ जाते हैं अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाते हैं ये तो आम इंसानों का मामला होता है लेकिन रसूलों का मामला ऐसा नहीं होता रसूलों का सफ़र अंधेरे से रोशनी की तरफ नहीं होता बल्कि रोशनी से मज़ीद रोशनी की तरफ होता है नूर अला नूर की तरफ होता है शुरू ही से उनका ताल्लुक अपने रब से बड़ा ही मज़बूत होता है गुनाह की और बुराई की हिस्स उनमें बहुत तेज़ होती है फ़ौर पहचान जाते हैं कि ये गुनाह है ये बुराई है बग़ैर किसी के बताए उन तमाम कामों की तरफ रगबत रखते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। सच बोलते हैं खैर ख्वाही करते हैं बेगर्ज होते हैं उन तमाम कामों से दूर रहते हैं जो अल्लाह को अच्छे नहीं लगते जैसे कि रसालत मिलने से पहले भी नबी अक्रम सम चालीस साल तक मक्के वालों के दरमियान रहे आपने कभी झूठ नहीं बोला आपने कभी शराब नहीं पी कभी आपने बेहयाई को पसंद नहीं फरमाया और ना ही कभी आपने उनके बुतों के आगे माथा टेका और ना कभी बुतों के आगे जो चढ़ावे चढ़ाए जाते थे उसमें से कभी आपने कुछ खाया और ना आपने कभी किसी बुत की कसम खाई हालांकि अभी आप रसूल नहीं बने थे लेकिन रसूल तो होते ही नूर फितरत पर है ना बना होता है उनके अंदर अब क्या होता है रसालत से पहले तक ये सारे काम जैसे अभी हमने डिस्कस किए अच्छे काम कर रहे होते हैं बुरे कामों से रुके हुए होते हैं फर्क क्या होता है कि वो इन तमाम कामों को रसालत से पहले सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं सिर्फ अपने आप को अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं वो दूसरों के ऊपर पाबंदी कोई नहीं लगाते अपने आप को बचा के रखते हैं अब कोई जाके लात के आगे माथा टेकता है या मनात के आगे या हुबल का नाम लेता है या उज्जा का उसको रोकते नहीं कि तुम मत करो ये काम और कौम के अंदर वो रह रहे होते हैं कौम भी उनको देखती है ऑब्जर्व करती है लेकिन हार्मलेस समझती है बेजर समझती है कौम ये बात सोच लेती है अज्यूम कर लेती है कि चलो कुछ डिफरेंट से हैं थोड़े मुख्तलिफ हैं लेकिन हैं तो हम ही में से हैं तो हमारा ही हिस्सा हमें तो नहीं रोकते हमें तो कुछ नहीं कहते तो कौम उनको बर्दाश्त कर लेती है नबूवत और रिसालत से पहले भी वो हक पर होते हैं फर्क क्या होता है तो बिलहक नहीं कर रहे होते ये काम तो बिलहक अमर बिलमूफ दूसरों को भी करना नहीं अनिल मुन कर दूसरों को भी करना ये रसालत की अहम तरीन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है रसूल बनने के बाद अब यह काफी नहीं रहता कि खुद गुनाह नहीं कर रहे हों यह काफी नहीं होता बल्कि आगे बढ़कर दूसरों को भी नेकी की तलकीन करनी होती है उनको दूसरों को भी बुराइयों से रोकना होता है अब जब दूसरों को रोकना शुरू करते हैं तो अब मुखालिफत का तूफान जो है वो उठ खड़ा होता है कौम से बेवफाई आबाजार से बेवफाई का इल्जाम उन पर लग जाता है ऐसे में तवक्ल अल्लाह ही पर करना है हर मोमिन को तवक्ल अल्लाह पर करना है अगर कहीं इंसानों पर तवक्ल किया तो आप देखिए कि जिन पर तवक्ल करेंगे वही धोखा दे जाएंगे जिन पत्तों पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे यही हाल होता है अब ये बिल्कुल एक नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग है ना अब आप ख़ुद इमेजिन कीजिए कि आपने सोचा कि अच्छा मैं जो ये गलत काम कर रही थी मैं ये छोड़ देती हूँ और अब मैं ये नेक काम शुरू कर देती हूँ दिमाग में ख्याल आता है जो फलां तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगा मेरी अम्मी जरूर सपोर्ट करेंगी या मेरे हस्बैंड तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे क्या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना वो तो मुझको जरूर सपोर्ट करेगी अगर ना सपोर्ट किया तो तो दफ़ा लोग निकी का इरादा पोस्टपोन कर देते हैं या छोड़ ही देते हैं कहते हैं जब सपोर्ट आ जाएगी जब मदद आ जाएगी जब मेरी हिमायत आ जाएगी तब मैं ये काम शुरू कर दूंगी अगर जिंदगी भर हिमायत ना आई तो, तो क्या करेंगे तो तवक्ल इधर उधर मत करें किसी पर अक्सर और बेशतर जो है इंसान को मायूसी ही होती है जिस पर इतना भरोसा किया होता है कि वो तो ज़रूर मेरा साथ देगा वो तो जानता है मुझको बचपन से मेरी साथी है फ़लां ये मेरे हस्बैंड ये तो मुझे इतने अरसे से जानते हैं ये तो इनसाइड एंड आउट मुझको जानते हैं ये तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे बाज़ दफ़ा दीन के रास्ते में वो सपोर्ट नहीं करते साथी बिल्कुल ही उनके तेवर बदल जाते हैं आँखें ऐसी फेर लेते हैं लगता है कि जानते ही नहीं जैसे उनके भरोसे पर नेकी का आगाज़ नहीं करना अल्लाह के भरोसे पर जिसको अल्लाह ताहेगा चाहेगा साथी बना देगा ना सिर्फ अल्लाह पर भरोसा बल्कि अल्लाह का खौफ भी दिल में हो कि नहीं किया तो होगा क्या मेरा चॉइस नहीं है इसके अंदर कि चाहें तो अमल कर लें और चाहे तो रहने दें चाहे तो पोस्टपोन कर दें चाहे तो एक्सक्यूज कर लें अल्लाह के आगे अपने आप को ये चॉइस नहीं थी अल्लाह ने कि तुम चाहो तो नेक बनो और चाहो तो मत बनो तुमको तो अल्लाह के आगे खड़ा होना है तुम्हारा हिसाब होगा और ये हिसाब का खौफ इंसान के अमल में तेजी पैदा कर देता है अगर हिसाब का खौफ ना हो तो हम शायद पोस्टपोन करते रहें चीज़ों को उमर रदीलाउ का कौल है वो कहते थे कि हासबु, सबू कबला तो हासबु सेबू अपना हिसाब लो कबला अन तो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए अली रद्लाउ नमाज के वक्त खड़े होते तो फरमाते कि रब के सामने खड़े होने का वक्त आ गया है और उस वक्त उनकी कैफियत अजीब ही हो जाती कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है जाकर तो जो इस तरह हर नमाज के वक्त अपना हिसाब लेता रहेगा यकीनन उसके अंदर अल्लाह का खौफ रहेगा नमाज के अंदर खुशबू ज्यादा आएगा और अल्लाह ने चाहा तो आखिरत का हिसाब भी आसान होगा आगे फरमाया आयत नंबर सोलह और सत्रह ममव जहन्नमो जिक्र यहाँ पर आ रहा है उन लोगों का जिन्होंने फिर की बात ना मानी लोगों ही के भरोसे पर रह गए अमल पोस्टपोन कर दिए या कभी अमल करने का अच्छा इरादा ही ना किया उन्होंने तो उनकी सज़ा बयान की जा रही है कि फिर उसके बाद आगे उसके लिए जहन्म है वहाँ उसे पीप वाला पानी पीने को दिया जाएगा सदीद सदीद कहते हैं खून मिला हुआ पानी या वो पानी जो कि सुर्ख से या पीले से रंग का होता है या पस को भी कहा जाता है कोई तस्वुर कर सकता है कि गिलास भर कर उसको वो पीने को दिया जाए पानी के अंदर दो तीन जर्रे भी तैर रहे होते हैं तो हम ग्लास एक तरफ रख देते हैं हम कहते हैं उफ हमसे नहीं पिया जा रहा पता नहीं क्या पड़ा है इसके अंदर और कहाँ के वहाँ तो उसके अंदर सारा खून या पस वो सारी चीज़ें मिली भी होंगी इतने प्यासे होंगे वो भी पियेंगे या तजर्राऊ घूट घूट कर कर पियेंगे उसको जीम रन का मतलब होता है एक साथ पी लेना तजर्र आ थोड़ा थोड़ा करके पीना इतना थिक होगा ऐसी घिन आ रही होगी दिल बिल्कुल नहीं चारा होगा पीने का लेकिन प्यास का अपना अजाब है जहनम में प्यास इतनी शिद्दत की लग रही होगी कि फिर पियेंगे भी घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा तकल्लफ़ से थोड़ा थोड़ा करके पियेंगे वला यका दू यूसी और आसानी से वो गले से उतरेगा ही नहीं इतना जो गाढ़ा सा लिक्विड होता है कैसे अटक जाता है गले के अंदर फंस जाएगा उनके गले के अंदर जाकर उतरेगा ही नहीं गले से वयाती हिल मऊ तो कुल्ली मकान और ऐसा उनको लगेगा जैसे कि हर तरफ़ से मौत बढ़ी चली आ रही है ऐसी जानकनी के अजाब में होंगे ना उगलते बने ना निगलते बने अजियत इतनी कि कोई मज़ा नहीं उस ज़िंदगी का तकलीफ़ इतनी कि लगे कि मौत अब आई और अब आई अब आई और अब आई लेकिन वमा हुआ बेमियत मरेंगे नहीं मौत तो फिर रिलीफ है अगर मौत आ गई तो वो तकलीफ़ का ख़ात्मा कर देगी जहनम का तो हाल ये है कि ला यमू तो फी वला याहया ना मरेंगे ना जिएंगे ना जिंदगी की राहत और चाशनी होगी और ना मौत आए कि तकलीफ़ से निजात मिले शिद्दत की अज़ियत के साथ ज़िंदगी अपनी काटेंगे और गुजारेंगे वम ही अदाबन ग गलीद और एक सख्त अजाब उनकी जान का लागू रहेगा वो चाहेंगे कि मौत आ जाए दरख्वास करेंगे जहन्नम के दरोगा से कि जहन्नम का दरोगा दरख्वास करे अल्लाह से कि अल्लाह हमें मौत दे दे लेकिन मौत आएगी नहीं ये कुरान में आएगा मज़मून हम पढ़ेंगे शुरफ़ फुरकान में उनसे कहा गया है कि एक मौत को मत पुकारो कई मौतों को पुकारो मुराद है कि तुम पुकारते रहो मौत आएगी नहीं अबू दरदा रद्द से मरवी है कि नबी अक्रम सल्ला व्ल्म ने फ़रमाया दो ज़खियों पर इस कदर भूख तारी होगी कि वो भी अजाब की तरह होगी और आप देखें ये जो रोज़े में हम भूखे रहते हैं ना, तो क्या कहा गया है रोज़े को असाउमो जुनदन रोज़ा ढाल है ये यहाँ की भूख जहन्नुम के अजाब से इन शाला तचालेगी तो अपने बच्चों पर भी बहुत तरस मत खाएं आता है नेचुरल है छोटे छोटे से भी होते हैं प्यूबर्टी पर आ जाने से वो बड़े तो नहीं हो गए होते हैं न ग्यारह साल की उम्र क्या उम्र होती नन्ही सी तो उम्र है बारह साल की उम्र भी ज़्यादा उम्र तो नहीं है तो बाफ़ा तरस आता है कि रहने दो नहीं रखवाएं लेकिन याद रखें कि अगर अभी इनको ये आदत ना डाली अल्लाह का हुक्म इनसे ना मनवाया तो कल को जब ये जहन्नम में भूखे होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे तो हदीस में ये बात आती है कि जहन्नमियों पर इस कदर भूख तारी होगी कि वो भी अजाब की तरह होगी वो खाने को मांगेंगे तो उन्हें गले में फंसने वाला खाना दिया जाएगा आता है ना कुरान में कि तमन रागुस्तन कांटों वाला खाना कांटेदार खाना है जिनको दिया जाएगा फिर वो पानी मांगेंगे तो उनको गर्म पानी लोहे की सलाखों पर दिया जाएगा जब उनके मुंह के करीब पहुंचेगा उनके मुंह झुलस जाएंगे और ये गर्म पानी उनके पेट में पहुँचेगा तो पेट कट जाएंगे रावी कहते हैं कि फिर वो कहेंगे चलो मालिक दोजख को बुलाओ वो पुकारेंगे और कहेंगे ए मालिक मालिक नाम है दोजख के दरोगा का ए मालिक हमारी दरख्वास्त है कि तेरा रब हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दे जवाब मिलेगा तुम बाकी रहोगे और उनकी फरमाइश में कि अल्लाह से कहो कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर दे और मालिक के, के इस जवाब में कि तुम जिंदा रहोगे इसमें हज़ार साल का फ़ासला होगा इंतज़ार ही करते रहेंगे और हदीस में मज़मून आता है कि जब दो दोजख दो में चले जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो मौत को एक मेंढे की शक्ल में एक रैम की शक्ल में ला कर उसको ज़िबाह कर दिया जाएगा और ये देख कर जन्नती अगर खुशी से मर सकते तो मर जाते इतनी जन्नतियों को खुशी होगी कि अच्छा अब हमें मौत कभी नहीं आएगी और दो ज़खी अगर गम से मर सकते तो मर जाते ये देख के कभी मौत नहीं आएगी खालदी नफिया इसी हाल में रहेंगे हमेशा तो ये रमज़ान का महीना है दिल से अल्लाह से पनाह मांगे कि अल्लाह में दो की आग से निजात दे दे अल्लाह किसी मुसलमान को अल्लाह दोजख की आग का मज़ा ना चखाए इससे बढ़ के दुआ करें कि अल्लाह सारी दुनिया वालों को हिदायत दे दे कोई ना जाए जहन्नम के अंदर सबको अल्लाह ताली सलामती और ईमान और अमन की तोफ़ी कता फ़रमा दे और रसूल इसी मकसद से आए हमेशा लोगों को इस बुरे अंजाम से बचाने के लिए लोगों ने कदर ही ना की जो आमाल उन्होंने कहे वो उनको अच्छे ही नहीं लगे और मना किया जिन आमाल से वो आमाल करते ही चले गए या नेकियां भी अगर कि तो रसूल की मुखालफत में कितनी बदकस्मती कितनी महरूमी कि इंसान मुशक्क़त करे मेहनत करे अच्छा काम करे लेकिन अल्लाह की खातिर ना करे और रसूल के बताए हुए तरीक़े को इग्नोर कर दे उससे लात इख्तियार करके अपना ही को तरीक़ा ऐजा कर ले ना अल्लाह की कदर की ना रसूल की कदर की तो ये तो काफिर है ना ना कदरे लोग ना शुक्रे लोग इनकार करने वाले उनके बारे में फ़रमाया आयत नंबर अट्ठारह الضلال البعيد जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है उनके आमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो और अपने किए का कुछ भी फल ना पा सकेंगे यही परले दर्जे की गुमराही है नहायत बलीग मिसाल है जो कि दी जा रही है रमाद की मिसाल दी गई राख एशेस, राख बहुत हल्की होती है कोई वजन नहीं होता उसमें जरा सी फूंक मारे राख में तो राख उड़ना शुरू कर देती है कोई कागज वगैरह जलाएं कोई चीजें जलें, तो जल जाने के बाद राख बन जाती है तो एक है राख का ढेर एक है चले कचरे का ढेर यहाँ कुफार के आमाल को कचरे का ढेर नहीं कहा कचरे के ढेर में से तो फिर भी कोई चीज़ सेल्वेज की जा सकती है गरीब गोरबा के बच्चे कचरे के ढेर में खेलते कूदते नजर आते हैं कोई ना कोई चीज़ उनको अपने काम की वहां से मिल ही जाती है लेकिन कोई चीज अगर जल कर राख का ढेर बन गई हो तो उसमें से कुछ नहीं निकलता कुछ भी सेल्वेज नहीं कर सकते कुफार के अमाल को राख के ढेर से तजबी दी गई है कुछ नहीं निकाल सकेंगे कुछ नहीं फायदा हासिल कर सकेंगे अपने अमाल से उन्होंने अपना वक्त अपनी तवानाई, मेहनत कोशिशें जिस रास्ते पर लगाई जहाँ अपने आप को उन्होंने बर्न किया अपनी एनर्जीज को बर्न किया सिवाय राग के ढेर के और कुछ हासिल ना होगा आमाल कुछ ना कुछ तो बनाए उन्होंने लेकिन वज़न कुछ नहीं उन आमाल के अंदर और वज़न इसलिए नहीं था उनके आमाल में कि उसके अंदर हक़ नहीं था अल्लाह की इताअत का वज़न नहीं था रसूल की पैरवी का वज़न नहीं था और यही दरअसल हक है अल्लाह हक है रसूल हक़ की कसौटी बनकर आते हैं क्राइटेरियन बनकर आते हैं राइट एंड रॉन्ग का रसूल की बात ना मानी तो वज़न कहाँ से आएगा फिर आमाल के अंदर गुड डीड में और वर्चुअस डीड में तो फ़र्क है हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं आयत बिर सूर्य बकरा आयत एक सौ सतहत्तर वन सेवेंटी सेवन में बात की थी हमने अच्छा अमल और नेक अमल में फ़र्क है नेक अमल दरअसल जन्नत की करेंसी है अच्छा अमल वो है जिसको कि लोग अच्छा कहें देखने में अच्छा लगे लेकिन उस अच्छे अमल के अंदर अगर अल्लाह की रज़ा हासिल करने का जज्बा नहीं है तो वो अच्छा अमल नेक अमल में तब्दील नहीं होता कन्वर्ट नहीं होता जन्नत नहीं खरीद सकेंगे क़यामत के दिन के लिए तो हमने पढ़ा था सूरत अल आराफ में के इदिनिल हक़ वज़न जो है वो तो हक ही में होगा जिन आमाल के अंदर हक़ का वजन नहीं वो अमाल राख के माने होंगे अल्लाह ने इन कुफ़ार के अंदर भी अपनी पहचान का अपनी मार्फत का एक छोटा सा दिया एक छोटा सा चिराग जला कर भेजा था इनको अपनी मार्फत इनके अंदर अल्लाह ने रखी थी अपनी पहचान रखी थी अल्लाह ने अलस्तु बे قالو कालू बला पूछा था क्या तुम्हारा मैं रब नहीं हूँ इन्होंने कहा था क्यों नहीं शहदना हम गवाह हैं इसके ऊपर कि अल्लाह तू हमारा रब है तो बजाय क्या इस ईमान की रोशनी को बढ़ाते अल्लाह की मारफत के नूर को बढ़ाते इन्होंने इस रोशनी को तो ढांक ही दिया कवर ही कर दिया कफरा रफर किया ढाँप दिया कफरा का मतलब होता है कवर कर देना अल्लाह की मार्फत अल्लाह की पहचान अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का खौफ इनकी फ़ितरत की, की गहराइयों से उठता है ना मुमकिन है कोई इंसान अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मारफत अल्लाह के खौफ़ से बेनियाज हो इन नहीं है जो इंसान है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है इनग्रेंड है प्रोग्राम्ड है उसके अंदर जीन्स के अंदर है अब यह और बात है कि इस उठने वाली पुकार को वो जबरदस्ती दबा दे सप्रेस कर दे कुफर करे अल्लाह की मार्फत के चिराग को ढांक दिया तो क्या होता है अगर चिराग को ढांका जाए जिस चीज़ से ढांकते हैं वो चीज़ आग भी तो पकड़ सकती है तो यही हुआ जिस चिराग से इनकी जिंदगियों में उजाला होना था रोशनी होनी थी उसकी इन्होंने परवाह ना की उसकी तरफ से लापरवाही बरती गफलत बरती उसको ढाकने की कोशिश की नतीजे में इनकी जिंदगियों में आग लग गई अपने चिराग से अपना ही घर जला दिया अल्लाह के नूर को बजाय निजात का जरिया बनाते अल्लाह के नूर ने इनको तो जला दिया अल्लाह का कुफर किया इन्होंने जो इन्होंने नेकियां की कोई काम नहीं आने वाली फिर क्यामत के दिन तेज आंधी जैसे यहां पे मिसाल बयान की गई है इश्तदत बेहू फो मिन आसिफ राख में तो एक फूक मारे तो उड़ जाती है कहां के तेज आंधी चले राख के ऊपर जर्रा जर्रा उसका डिस्पर्स हो जाए इधर उधर हो जाए तो जो भी अमल इन्होंने दुनिया में किए दिखावे के लिए कोई अमल इनको वहाँ काम ना देगा क़यामत के दिन सब इधर उधर हो जाएंगे बिखर जाएंगे ऐसे गुम हो जाएंगे कि कहीं मिलने का इम्कान ही नहीं होगा उनका सिला ईमान के बग़ैर तो बड़े बड़े कारनामे बेकार हैं सारी अचीवमेंट्स सारे एक्म्पलिशमेंट्स बेकार हैं चाहे किसी ने दुनिया में पिरामिड जैसी वज़नी इमारतें क्यों ना बना दी हों अहराम मिस्र किसी ने बना डाले हों मनो टनों पत्थरों से अल्लाह के यहाँ कुछ वजन नहीं होगा उन पिरामिड्स का किसी ने कितने ही बड़े हॉस्पिटल्स क्यों ना बना दिए हों ऑर्फेज बना दिए हों स्कूल्स बना दिए हों लेकिन अगर उसने अपना तामीर ईमान ही नहीं किया तामीर सीरत नहीं की तामीर किरदार नहीं किया अल्लाह से ताल्लुक़ ही नहीं जोड़ा अल्लाह को अल्लाह का हक़ ही ना दिया और सारे इंसानों को बहुत अच्छे हक दिए बेहतरीन बेटा साबित हुआ बेहतरीन शौहर साबित हुआ बेहतरीन वालिद या वालदा या बेटी या बीवी साबित हुई लेकिन अल्लाह को अल्लाह का हक़ ना दिया कुछ वज़न नहीं होगा अल्लाह नहीं तोलेगा इन चीज़ों को ये याद रह गया कि हमको बेहतरीन बीवी बनना चाहिए बेहतरीन माँ बनना चाहिए ये ना याद रहा कि हमको असल में तो बेहतरीन बंदी बनना चाहिए अगर कोई पयामत के दिन इस हाल में आती है औरत कि जो दुनिया में किसी की बीवी ना बन सकी अल्लाह के यहां पकड़ नहीं है उसकी अल्लाह नहीं पूछेगा तुम बीवी क्यों ना बनी अगर कोई औरत दुनिया में मां ना बन सकी अल्लाह के यहां पकड़ नहीं है अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम माँ क्यों ना बनी लेकिन अगर अल्लाह की बंदी ना बनी तो अल्लाह पूछेगा तो अब देखिये हम कितना ज्यादा इस बात का गम करते हैं ना कि है हमारी शादी नहीं हो रही या हम इस बात का गम करते हैं कि हय हमारे बच्चे नहीं हो रहे कितने लोग इस बात का ग़म करते हैं हम अल्लाह के बंदे नहीं बन रहे बहुत कम बहुत कम खुशकस्मती हैं जिनको ये खौफ हो ज़िंदगी में कि हम अल्लाह की बंदगी का हक अदा नहीं कर रहे ऐसे खुशकस्मत कम ही हैं दुनिया के अंदर तो किसी ने कितना भी अपना रोल बेहतरीन तरीके से अदा किया हो लेकिन अल्लाह की खातिर ना किया हो आखरत के सिले के लिए ना किया हो तो सारे उनके अमाल जो हो जाएंगे वो रमात की तरह राग की तरह हो जाएंगे कोई वज़न नहीं अस्पताल बनाएं या स्कूल्स बनाएं उसमें अल्लाह की रज़ा दरकार ना थी अल्लाह के तरीक़े को रसूल की सुन्नत को छोड़ के हलाल से हराम से जायज़ से नाजायज से चाहे गुनाह ही की तरफ लोगों को दावत देनी हो वो करके और फ़ंड रेजिंग कर ली अल्लाह क्या करेगा उसका कोई वज़न नहीं इन अस्पतालों का दुनिया में हो सकता है बहुत शोहरत हो गई हो नोबल प्राइज़ भी हो सकता है मिल गया हो अल्लाह नहीं कबूल करेगा फरमाया तो जो कुछ उन्होंने कमाए उस पर काबू भी ना पा सकेंगे और ये है दरअसल बहुत दूर की गुमराही आयत उन्नीस बीस अलमतरा खलक़ समावाती वल बिलह क्या तुम देखते नहीं अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक़ को हक़ पर क़ायम किया है हक़ हक़ बड़ी चीज़ है अल्लाह से हक़ की दुआ किया करें